हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो हम लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स और देखेंगे क्या एनर्जीज चल रही हैं। क्यों लड्डू देखेंगे ना, तो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। सबसे पहले 5 कार्ड लेंगे हम और फिर क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। 2 कार्ड आ गए हैं फटाफट से। वी हैव हैरोफेंट एंड डेथ, जस्टिस। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ कोर्ट कचहरी में चल रही है, अगर या मैरिड लाइफ में कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है। मतलब आप जिसको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में शादी को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर या कुछ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और। देखिए जब जब डेथ आता है तो फूल ज़रूर आता है हमेशा। 1 मोर कार्ड, लास्ट कार्ड। एंजल्स, कौन आने वाला है, किसको आना है बाहर? हर्मिट को, साधु महाराज। आप डेक में ही रहिए, आपका करेंगे बाहर आके। स्ट्रेंथ, सॉरी बहुत ख़राब जोक था ना, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग साइन बता देती हूँ। वी हैव टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वी हैव वर्गो, लियो, पाइसेस एंड वी हैव सम एनर्जी ऑफ अक्वेरियस, ठीक। तो यहाँ पर काफ़ी साइंस हैं और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहने वाली है। जो होता है ना, एक भूकंप आने के पहले एक अजीब सा सन्नाटा रहता है, तो ये एक भूकंप के आने की चेतावनी है, ठीक। भगवान असली वाला भूकंप नहीं सुन मत लेना प्रभु, बहुत थोड़ा शांत हो जाएं हम। मैं प्रार्थना करने वाली थी कल, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आप भोलेनाथ को बोल दो कि हिमाचल, शिमला, कुल्लू, मतलब पूरे एरिया में, पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं भगवान शांत हो जाएं। तो मैं पूरी सोल फैमिली की तरफ से महादेव को प्रार्थना करती हूँ कि महादेव शांत हो जाएं। और आप लोग भी ये प्रॉमिस कीजिए कि आपसे अगर कोई गलती हुई है, वहाँ के लोग जैसे बहुत ज़्यादा जानवरों पर किसी तरह का अत्याचार या पर्यावरण के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़, ये ना करें। क्योंकि देखिए ये सब बहुत हरी भरी जगह है, बहुत नेचर से जुड़ी हुई जगह है, देवभूमि ऐसी नहीं कहा गया है, देवताओं का वास होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर देवताओं जैसे कृत्य ही होने चाहिए। अगर वहाँ पर दैत्यों जैसे कारनामे होने लगेंगे तो देवता रुष्ट होंगे ही। तो महादेव से प्रार्थना है कि महादेव शांत हो जाएं, और हम सभी की तरफ से ये प्रार्थना है। बाकी हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी कहा मैंने कह दिया महादेव को। और बाकी यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की लाइफ में एक भूकंप बवाल की एनर्जी है। लेट्स चेक, क्यों ऐसी एनर्जी आई है? एंजल्स क्यों आए हैं? हैरोफेंट भाई साहब, हैरोफेंट लो, हैरोफेंट को हैरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया, तो मैं बोलूँगी क्या सेम चीज़? एक और कार्ड दे दें। पेरेंट्स पीछे पड़े हैं आपके पर्सन के, शादी करो हमारी मर्जी से, और आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। सन रिप्रेजेंट सोसाइटी, सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट मैरिड लाइफ आल्सो। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं आपके पर्सन। अगर सिंगल हैं तो पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, मैरिड हैं तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। डेथ का कार्ड क्यों आ गया है? डेथ को क्लैरिफाई कर दिया है टावर ने। अब आप बताइए, डेथ को टावर क्लैरिफाई करेगा तो ये डिस्ट्रक्शन को ही दिखाएगा।
और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि भूकंप जैसी एनर्जी है, तो यहाँ पर ये एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इनकी एनर्जी में थर्ड पार्टी टेंशन वेटिंग अब इनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब इनको क्लैरिटी चाहिए, जो करना है क्लियर करेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी होंगी चीज़ें। और जैसे जैसे हम सेप्टेम्बर मंथ में इंटर कर रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि 999 हमेशा मैंने आपको बोला है एंडिंग्स को शो करता है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, मैसेज का कार्ड बड़े दिन बाद आए हैं, बड़े दिन बाद आपने दर्शन दिए हैं, तो हम सबका प्रणाम स्वीकार करें और आप लोग क्लेम कर लें फटाफट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैसेजेस का वेट कर रहे हैं। तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके पर्सन घोड़े पर चढ़कर आ भी रहे हैं, घोड़े वाला गाना गा देना तुम लोग, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं गाना वाना देख ही नहीं पाती, 5-6 साल हो गए। जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उसी के बाद से मैंने ना कोई मूवी देखी है, ना मैंने कोई गाना सुना है बॉलीवुड का, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया। ठीक है, तो आते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए सब में घोड़ा आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मूवमेंट वाली एनर्जी है, जस्टिस मिलने वाला है आपको। द फूल का कार्ड क्यों आया है, द फूल को मजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, मतलब आपके पर्सन खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ केयर फ्री होकर आगे बढ़ना, कोई प्रेशर नहीं है आपका, अपने आप ही आना चाहते हैं। आप क्यों आए हैं, आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, हैप्पी फैमिली से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जिन भी सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है अभी भी, लेकिन इतनी हिम्मत जुटा लेंगे कि चीज़ों को या तो बैलेंस कर लें या तो ख़त्म कर दें, ये एनर्जी है। तो काफ़ी लोगों के पर्सन की इवन आने वाले, आप समझ सकते हैं सेप्टेम्बर आने तक काफ़ी लोगों के पर्सन ये भी बोल सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बहुत हैवी है, उनके ऊपर बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है, बट उनको बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अब वो तो बैठ के एनर्जी रीडिंग देखते नहीं होंगे, हो सकता है देखते हो, सकता है ना भी देखते हो। ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी, देखिए टैरो रीडिंग ऐसे ही किसी के सामने नहीं आ जाती, कहीं किसी को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होगी तब उसके सामने आएगी, वरना ये बड़ा सीक्रेट सा माहौल है, जैसे हैरी पॉटर नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं कि टैरो रीडिंग क्या होता है, तो अचानक से आपके सामने आएगी जब आपको नीड होगी। जिसके जिसके साथ ऐसा हुआ है कि आपको नहीं पता था कि YouTube पे ऐसा भी कुछ है, एक सीक्रेट पूरा स्पिरिचुअल चैनल, पूरे ढेर सारे टैरो रीडर्स जिससे आप भविष्य जान सकते हैं, एनर्जी पता चल सकती है, ये सब एक सीक्रेट रहता है, एक पूरे जादुई नगरी की तरह, वो झटके में आपके सामने आएगा, स्पेशली जब जब एंजल्स आएंगे। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनको रेफरेंस के थ्रू पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर अगर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो वो आपको भेजेंगे इधर हील होने के लिए, कि चलो हील हो जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जीज होती हैं। सो ये कुछ चल रहा है, ये कुछ होने वाला है, इस तरह की एनर्जी है, एंजल्स ने आपको गाइड कर दिया है, होप आपको हेल्प मिली होगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, बदल जाओ यार, बोर हो रही। फर्स्ट टू कार्ड्स 1-1, अरे वाह, इसको भी ले लेते हैं, न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन है गाइस, इससे अच्छा कार्ड कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा देखा आपने, बहुत रेयर होता है ऐसे, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1, और वन देंगे क्या एंजल्स? नहीं देंगे। मदर गाया बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफ में, देखिए न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, नेक्स्ट एक्शन में एक नई शुरुआत होने वाली है। अभी हमने करंट एनर्जी देखी जिसमें डिस्ट्रक्शन चल रहा है, डेथ आया है, और बाद में द फूल आया है, न्यू बिगनिंग,
और जो द फूल का कार्ड है वही यहाँ पर न्यू बिगनिंग शो कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन अब एक नई शुरुआत करने वाले हैं और कुछ इमोशनल लॉस से गुजरेंगे आपके पर्सन। ये जो एनर्जी है ये स्पेशली 10 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, 10 घंटे के अंदर ये बहुत पीक पे होगी। और इसके अलावा आप एक दिन पकड़ लीजिए 24 घंटे। इमोशनल लॉस को कोई ऐसा कार्ड क्लैरिफाई करना चाहिए जो कि एंडिंग वेंडिंग से रिलेटेड हो या किसी पेनफुल एनर्जी से रिलेटेड हो। लेट्स चेक। यस, सैक्रिफाइस, पेनफुल एनर्जी आ गई यहाँ पर। ठीक, मून का कार्ड है, इमोशंस बहुत हाई होंगे, इमोशनल लॉस का कार्ड है, उसके लिए मून को क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब इससे ज़्यादा इमोशंस हो ही नहीं सकते मून से ज़्यादा। एंड देन सैक्रिफाइस, ये जिन चीज़ों को, जिन सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं ना, एक तरह से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसको देखिए, दुखियारे कार्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, जो आपको ये शो करते हैं कि ये सच में दुखी हैं। मतलब ऐसी नहीं कुछ भी एनर्जी आ गई, मैंने कुछ भी बक दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा एनर्जी को रिस्पेक्ट किया कीजिए, क्योंकि एनर्जी आपके लिए ही है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के पर्सनल नाम से ये रीडिंग नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसी ही रीडिंग दूँ जिससे ज़्यादातर लोगों से एनर्जी रेजोनेट करे। क्योंकि 2-3 कमेंट मैंने पढ़े थे कि कुछ रेजोनेट नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं आपसे जो कलेक्टिव हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करके अपने पर्सनल फ्यूचर के बारे में देख सकते हैं। उससे आपको पूरी गारंटी के साथ वो चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि एंजल्स कभी आपको गलत डायरेक्शन नहीं देंगे, एंजल्स वही रास्ता दिखाएंगे जो आपके लिए सही है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया एंजल्स? यहाँ पर देखिए बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है, और यहाँ पर है पावर, शनि की एनर्जी है, और यहाँ पर है 8 नंबर जो कि शनि महाराज का ही नंबर है। और जस्टिस को क्लैरिफाई किया है पावर ने, और पावर को क्लैरिफाई किया है स्पिरिचुअल यूनियन ने। तो जो नई शुरुआत होने वाली है वो आपके साथ ही होने वाली है। और मैंने एंजल से कहा था कि मुझे एक और 1 दे दो ताकि 11-11 हो जाए, तो हमारे पास वो 11-11 अब आ चुका है। सो वी हैव 11-11 नाउ। न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, और ये जो नई शुरुआत है ये आपके साथ ही होगी। मदर गाया का मैसेज लेंगे आज हम। मेरी प्यारी मदर गाया का मैसेज क्या है आप सबके लिए? मेमोरीज़ ऑफ लव। आपके पर्सन आपकी मेमोरीज़ में हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, स्पेशली 24 आवर्स, एंड एक्शन भी ले सकते हैं। सन की एनर्जी है, ठीक है। सो ये इमेजिएट एक्शन है आपके पर्सन का। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? पहला मैसेज है, अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको अवेकन कीजिए, बाहर लेकर आइए, जागृत कीजिए, अपनी सोई हुई क्रिएटिविटी को जागृत कीजिए। रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। देखिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके आपके माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अगर आप अपनी सोल को रिलैक्स करेंगे, अलाइन करेंगे यूनिवर्स के साथ, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। इवन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं, आप पर्सन को भी रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि वो पर्सन का ऑरा कैसा है, वो पर्सन आपके लिए सही है गलत है, ये भी आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे जो मेडिटेशन करते हैं वो एक बार में किसी को, जैसे स्कैन नहीं होता है कि ये पर्सन का स्कैन कर लिया, वैसे ही स्कैन हो जाता है। आपको वाइब्स इतनी दूर से फील हो जाएंगी कि ये पर्सन की वाइब्स कैसी हैं। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ, अपने दुखी वाले जो दिन है ना, जो सैड डेज हैं, उनसे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। आपके जो डार्क डेज हैं, जो
बेकार दिन हैं आपके, जो जिनकी मेमोरीज अच्छी नहीं है उसी में अटके मत रहिए, थोड़ा बाहर निकलिए, अपनी उन वाइब्रेशन से फाइट कीजिए जो आपको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज़ योर क्रिएटिव एनर्जीज, मेक यूज़ ऑफ देम इन योर लाइफ। अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ का अचार मत बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। क्रिएटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं? अगर आपके अंदर पेंटिंग का टैलेंट है सो डू सम पेंटिंग, ये भी मेडिटेशन ही है। ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के कुछ सुन रहे हैं तो ही मेडिटेशन है, या स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट करके आप कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं तो ही मेडिटेशन है। कभी कभी होता है कि हमारा मन नहीं करता मेडिटेशन करने का। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरा मन ही नहीं लगता मेडिटेशन करने में, कंसंट्रेट ही नहीं होता है। तो आप कोई अपना फेवरेट जो आपका पैशन है वो भी कीजिए, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो कीजिए। आप जाइए गमले में पौधे लगाइए, आप खुरपी ले लीजिए और बैठ के खोदिए, आप पेंटिंग कीजिए, क्राफ्ट बनाइए, आप बच्चों के साथ खेलिए, ये सब मेडिटेशन है। जो भी आपके माइंड बॉडी सोल को खुश करे, अलाइनमेंट में ले आए, वो सब मेडिटेशन है। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया करे, ज़रूर लाइक कर दिया करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।